गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं क्विनोनॉइड थ्योरी के बारे में, जो कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड यूनिट का। तो क्विनोनॉइड थ्योरी के बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और इसके एक एग्जाम्पल के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड करे हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले जो इसकी क्विनोनॉइड थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि जो इंडिकेटर का कलर चेंज होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो है स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है इंडिकेटर में, क्योंकि इसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाती है। अब हमने इससे पहले जो है हमने थ्योरी पढ़ी थी ओस्टवाल थ्योरी, तो उस थ्योरी के हिसाब से हमें ये बताया था उस थ्योरी में कि जो इंडिकेटर का कलर चेंज होता है वो होता है आयनाइजेशन के कारण इंडिकेटर के। लेकिन इस थ्योरी में जो है अलग बताया है कि अगर इसमें जो है स्ट्रक्चर चेंज जाती है इसकी वजह से जो इंडिकेटर का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले जो है इसमें यही बताया गया है। उसके बाद में है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जब इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में होता है तो उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है बेंजीनॉइड फॉर्म में, मतलब ऐसे बेंजीन की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर वो अल्कलाइन मीडियम में होता है इंडिकेटर तो वो जो है वो क्विनोनॉइड फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्विनोनॉइड फॉर्म जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में है कि ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती है ये सारी, इसमें जो है अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स देती है, इसलिए एसिड सॉल्यूशन इंडिकेटर जो है वो बेसिक सॉल्यूशन के अलग कलर देता है। उसके बाद में हम एग्जांपल देखेंगे, एक है एग्जांपल फिनोफ्थेलीन का, तो जिसमें हम इसमें स्ट्रक्चर से भी जो है देखेंगे कि जो फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर हमने एग्जांपल लिया है वो एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देता है और वो बेसिक सॉल्यूशन में जो है वो अलग कलर देता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट होती है दोनों मीडियम में। तो इसमें क्या होता है, जो फिनोफ्थेलीन है वो एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो वो कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं देता है वो, और वो जो है वो बेंजीनॉइड फॉर्म में रहता है। उसके बाद में अगर हम बेसिक या फिर अल्कलाइन मीडियम में देखें फिनोफ्थेलीन को तो वो जो है वो क्विनोनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये जो है वो पिंक कलर दे देता है, जबकि वहीं पे हमने देखा था कि वो एसिडिक मीडियम में जो है कलरलेस में रहता है। तो ये जो है वो एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब अल्कलाइन मीडियम आता है तो उसकी प्रेजेंस में जो है ये लेक्टोन जो रिंग होती है वो ओपन हो जाती है, वो रेजोनेंस की फॉर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर से समझते हैं, तो ये जो है वो एक फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी बेंजोनॉइड फॉर्म। इसके बाद में अगर हम इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एड करते हैं तो यहाँ से जो है ये ओ सी डबल ओ जो है वो ग्रुप अलग हो जाता है और ये कार्बन जो है वहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोक्सिल और जोड़ते हैं और हम दो मॉलिक्यूल्स वाटर के जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो हाइड्रो ओएच जो है वो यहाँ से निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाते हैं और एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन का वो भी एलिमिनेट हो जाता है। तो कुछ जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर उसके बाद में बन जाती है। अब यहाँ पे जो है वो क्विनोनॉइड फॉर्म आ गई, इसलिए हम इसको जो है क्विनोनॉइड फॉर्म बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे क्विनोनॉइड जो है वो इस तरफ भी आ सकता है और क्विनोनॉइड जो है वो इस तरफ भी, इस रिंग पे भी जो है वो बन सकता है। तो ऐसे ये जो है वो अल्कलाइन मीडियम में क्विनोनॉइड फॉर्म हो जाती है और वो एसिडिक मीडियम में जो है बेंजोनॉइड फॉर्म ही रहती है। सो गाइस, इतना ही था क्विनोनॉइड थ्योरी की जो है फॉर्म में, और इसके जो नोट्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज।